नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्माता जा रहा है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खुद के साथ हुई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में सिर्फ विभव को आरोपी बनाया गया है। FIR में स्वाति मालीवाल का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उसमें कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि मैं 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर 6 फ्लैट स्टाफ रोड सिविल लाइन्स मिलने गई। मैं कैंप ऑफिस में गई और सीएम के पीएस विभव कुमार को कॉल किया, जहां उन्होंने ये फोन नहीं उठाया। तो ये बात उन्होंने कही। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने आगे कहा कि फिर मैंने विभव को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज किया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे मैं पहले कई सालों से जा रही हूँ, फिर मैं रेजिडेंशियल एरिया में गई मुख्य गेट से होते हुए, क्योंकि विभव यहाँ मौजूद नहीं था। मैंने मौजूदा स्टाफ से कहा कि सीएम से मिलने आई हूँ, मुझे कहा गया कि वो घर पर हैं और ड्राइंग रूम में इंतजार करने को कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में गई, सोफे पर बैठ गई, सीएम से मिलने का वेट करने लगी। एक स्टाफ ने आकर बताया कि सीएम मिलने आ रहे हैं। अचानक विभव कुमार चिल्लाते हुए आए और मुझ पर चिल्लाकर गाली देने लगे। मैं काफी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा कि ऐसे मुझसे बात ना करें, सीएम को बुलाया जाए। विभव बोला कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, और ये भी कहा कि औकात क्या है, समझती क्या है खुद को। कुछ शब्द हैं शायद जिस तरीके से FIR में जो उन्होंने लिखा है, कुछ शब्द काफी ज्यादा गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ये भी कहा कि तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। ये कहकर वो मेरे राइट साइड खड़ा हो गया। अचानक वो मुझे थप्पड़ मारने लगा, 7-8 थप्पड़ मारे उसने। मुझको मेरे पैरों से पकड़ा, मुझको नीचे गिराया, मुझे ड्रैग किया, मेरे शर्ट ऊपर करने लगा। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट खुलने लगी, मैं जमीन पर गिरी, मेरा सर टेबल से टकराया। इसके बाद विभव ने मेरी छाती पर पैरों से वार किया, प्राइवेट पार्ट पर भी उसने वार किया। तो ये चीजें लिखी गई हैं। आगे भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें पूरे FIR में लिखी है। ये भी लिखा कि मैं दर्द से करा रही थी और मुझे छोड़ने को कह रही थी। उसने मुझको बार बार फोर्सफुली मारा, मैं किसी तरह से उसे दूर हटी और सोफे पर बैठ अपना चश्मा उठाया तो जमीन पर वो गिर गया और मारपीट करने लगा। मैं बहुत परेशान थी, जिसके बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल किया और पूरा मामला बताया। इसके बाद विभव ने मुझे धमकाया और कहा कि जो करना है वो करो और हम डरने वाले नहीं है। इस तरीके की बात कही गई। और आगे भी मैं आपको बताती हूँ, स्वाति मालीवाल का आगे FIR में लिखा है कि जब उसे लगा कि मैं कॉल कर रही हूँ तो वो मेरे कमरे से बाहर आया, फिर दूसरे स्टाफ के साथ अंदर आया। मैं कैंप ऑफिस के मेन गेट पर गया, ये लोग मुझे विभव से बात करने को कहने लगे। मैं कहती रही कि इन्होंने मुझे बुरी तरीके से पीटा। इसके बाद इन्होंने मुझे जाने को कहा, मुझे सीएम आवास से बाहर लाया गया। मैं बहुत दर्द में बाहर जमीन पर बैठ गई, PCR आई, पर मैं बहुत दर्द में थी। मैं पुराने घर की तरफ चली गई, वहां जमीन पर बैठी, कुछ देर खुद को संभाला, मैं रोती और किसी तरह पुराने घर पहुंची। ऑटो बुलाकर मैं अपने घर के लिए निकली, लेकिन इतने दर्द में थी कि हिम्मत जुटाकर मैं सिविल लाइन थाने गई। मैं SHO के रूम में बैठी, उनके सामने रोती रही। सारा जो चीजें मेरे साथ हुई वो बात मैंने बताई। मैं बहुत दर्द में थी, मीडिया की बहुत कॉल आ रही थी, शोक पेन, और इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं थाने से चली गई। मेरे सर, आर्म्स, पैरों में बहुत दर्द है, चोट की वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी गर्दन, हाथ, पैरों में दर्द है। मेन जीवन भर महिलाओं के सम्मान के लिए मैंने, मतलब जीवन भर महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। दर्द की वजह से मैं अब पहले बात नहीं कर पाई, अब अपना बयान दे रही हूँ। इसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 308, 323,
341, 354 बी, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज की। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और ये आप वीडियो देखते हैं। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आप आइए ना। नहीं, मैं ऐसे छोटे सिविल लाइन से बात करूंगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं, हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम, प्लीज उठा के पहन लो। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज, फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला, मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोले। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी कैमरा। तो ये वीडियो आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि यह वीडियो स्वाति मालीवाल का बताया जा रहा है। किसान तक इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता, मालीवाल इसमें नहीं दिख रही है, आवाज उनकी बताई जा रही है। वह सुरक्षा अधिकारियों से बहस करती दिख रही हैं, बताया जा रहा है कि पुलिस को, वो कह भी रही है कि पुलिस को मैं बुला लूंगी। हालांकि इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि किसान तक नहीं करता है। जिस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये वीडियो किसने बनाया, और इसके अलावा वहां मौजूद लोगों ने क्या अन्य वीडियो भी बनाए हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये वीडियो अभी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और अभी जिस तरीके से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है, और पूरी जो एफआईआर स्वाति मालीवाल की तरफ से लिखी गई है वो हमने आपके सामने रखी, कि एक एक बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से उनके साथ बदसुलूकी की गई, बदतमीजी की गई। तो फिलहाल एक ये वीडियो भी जैसे हमने दिखाया लास्ट में कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ऐसे में इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, कि एक बार आपको दोबारा ये वीडियो दिखा लेते हैं। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आप आइए ना। नहीं, मैं ऐसे छोटे सिविल लाइन से बात करूंगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं, हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, तो ये वीडियो हमने आपको दोबारा दिखाया, जिस तरीके से बता दें कि स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक इस पर, इस वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं आया, और आप नेता नरेश बालियान ने भी इसे रीट्वीट किया। इससे यह शक कम हो जाता है कि यह वीडियो सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो वीडियो अभी हालांकि वायरल हो रहा है लगातार, यहाँ पर मालीवाल कहीं नजर नहीं आ रही है। बता दें कि नरेश बालियान ने इसे रीट्वीट किया है। जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज
तो ये वीडियो जिस तरीके से अभी इस पर स्वाति मालीवाल की तरफ से भी इस वीडियो को कोई रिएक्ट इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया गया और आप नेता नरेश बालियान ने भी इसे रीट्वीट किया है, इसे यह शक कम हो जाता है कि यह वीडियो सच नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कमेंट भी किया है जहां पर क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा देखिए इस औरत की, सीएम आवास सिक्योरिटी ऑफिसर को माँ बहन की गालियां दे रही है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सच बाहर आ गया तो मुंह छुपाते फिरेंगे हीरा। ये कमेंट उनका आया है और अब जिस तरीके से ये वीडियो हमने दिखाया, लगातार पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। आगे देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ अब तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। नमस्कार।